पंजाब की जेलें लगातार चर्चा में रहती हैं और इस बार भी चर्चा में हैं। लगातार हो रही गैंग वॉर की वारदातें यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कपूरथला जेल से सामने आया, जहां कैदियों के बीच एक बार फिर से गैंग वॉर हो गया और इस दौरान 5 कैदी जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। गैंग वॉर में शामिल सभी आरोपी गंभीर मामलों में सजा याफ्ता है और अब इस गैंग वॉर ने एक बार फिर जेल प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल में दाखिल यह नौजवान कपूरथला जेल के कैदी हैं, जो कि जेल में हुई गैंगवार का शिकार हुए हैं। जेल के अंदर कुल 5 लोगों के जख्मी होने का मामला सामने आया है। घायलों में ज्यादातर धारा 307 और 302 के आरोपी हैं। घायलों में कमलजीत, कुलविंदर, मनजिंदर, हवालाती हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 अन्य घायल रॉकी और नेकी जेल अस्पताल में ही भर्ती हैं। हम लोग 30 टलियों ने इकट्ठे होकर आ गए, वो सुन कह रहे प्रशासन पूरी सख्ती नहीं बरतदा, मतलब जड़ा बंदा कहेगा उन्होंने हर फैसिलिटियाँ मिलती हैं। कई गैंगस्टर बाहरों आते हैं, उन्होंने पैसे ला के खोल दिता जाता, जड़ा नहीं पैसे भरता उसे बंद रहा। इस संबंध में असी जो सट्टा लगियां जख्मी हैं उन्होंने पूछा सी, पर उन्होंने अपने अजे तक बयान कलम बंद नहीं कराए। जो भी बयान कलम बंद कराएंगे तो जो कार्रवाई होगी तो खिलाफ की जाएगी। कपूरथला सिविल अस्पताल में भर्ती घायल कैदियों ने जेल के अधिकारियों पर पैसे लेकर गैंगस्टर्स को जेल में खुलेआम घूमने और बदमाशी की इजाजत देने का आरोप लगाया। सो यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी सुधार घर से माहौल बिगाड़ने वाली तस्वीरें सामने आई हों। लगातार जेलों में कैदियों के हिंसक होने की तस्वीरें सामने आती हैं, जो जेल के अंदर सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े करती हैं। इन सबको लेकर सवाल यह भी है कि कब होगा पंजाब की जेलों का शुद्धिकरण, कब थमेगा पंजाब की जेलों में गैंगवार का सिलसिला और गैंगस्टर्स को जेल में क्यों मिलती है बदमाशी की छूट, ऐसी वारदातों पर रोक लगा सकती है। इन सब सवालों के जवाब जेल प्रशासन को ढूंढने होंगे। संदीप ओबेरॉय, जी मीडिया, कपूरथला।